महिलाओं के लिए घर की चौखट से निकल के पढ़ाई लिखाई और नौकरी करना कभी आसान नहीं रहता, खासकर शादी के बाद। लेकिन पंजाब के फाजिल्का में डॉक्टर शिल्पा ऐसी महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं। उन्होंने सिविल जज बनके अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। इस बेटी को उसका परिवार सलाम कर रहा है, इस बहू को मालाएं पहनाई जा रही है, क्योंकि इस परिवार को अपनी बहू पर गर्व है। दरअसल पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली डॉक्टर शिल्पा जज बन गई हैं। इसके लिए उन्होंने पीसीएस जुडिशियल की परीक्षा पास की। खास बात ये रही कि उन्होंने शादी के करीब 9 साल बाद ही मुकाम हासिल किया, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से में भी सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने आज पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैंने सबसे पहले बीडीएस की थी और फिर मैंने लॉ किया 2017 में। 2020 में मैंने लॉ पास आउट की विद फर्स्ट रैंक इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की जुडिशरी की। डॉक्टर से जज बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन शिल्पा ने हिम्मत नहीं हारी। इस सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा हाथ रहा। बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है आज, जिन्हों शब्दों के नाल बयान करना मेरे वास्ते बहुत मुश्किल हो रहा है। एक साडा बहुत पुराना सपना सी, मेरी वाइफ ही लॉ दी पोस्ट ग्रेजुएट हैगी 81 दी, तां उदों कुछ सीटां ना निकलन करके असीं अप्लाई नहीं कर सके। तो सर मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों 2017 दे विच मेरी बेटी ने आके ये कहा कि पापा मैं जज बनना चाहनी है। तो उनके फिर असी पूरा इनू इंस्पायर्ड किया, पूरा इनका सहयोग किया। इस बच्ची ने भी साढ़े बहुत दिल ला के पढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि शुरू से पढ़ाई में होशियार रही डॉक्टर शिल्पा, हर परीक्षा में अव्वल रही। अब वो जज बनकर महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं कि कैसे हम अपने सपनों और समाज के शिल्पकार बन सकते हैं। पंजाब के फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल, गुड न्यूज़ टुडे।